Hello everyone. this is your fifteenth chapter Sim the wolf boy. What about the wolf boy? We will read and we will try to find out about what is the story of Sim the wolf boy. So dear students give attention. family is very important to all cultures. We know very well that.

हम एक दूसरे की केयर करते हैं ध्यान रखते हैं दुख, सुख दुख में हर प्रकार की बातों को अपन उनको केयर करते हैं समझते हैं बट समाइम्स पीपल इग्नोर देयर फैमिली फॉर वेरियस रीज़न्स अब कई बार क्या होता है कि लोग बाग फैमिली मेम्बर्स के अंदर ही जो मेम्बर्स होते हैं वो इग्नोर करते हैं और उसके पीछे कई कारण होते हैं फॉर वेरियस रीज़न्स हियर

हाउ अ स्मॉल एंड boy बॉय इज Abandoned means छोड़ देना त्याग देना हाउ अ स्मॉल बॉय स्मॉल एंड sick, छोटा भी है और बीमार भी, भी है sick boy बॉय इज by his ब्रदर एंड सिस्टर आफ्टर देयर पेरेंट्स डेथ अपने उनके माँ बाप की उसके माँ बाप की डेथ के बाद कैसे उसके भाई और बहन उसको कैसे अकेला छोड़ देते हैं इससे संबंधित एक स्टोरी है जो कि ओजिब्वा नेटिव अमेरिकन ट्राइब ओजिब्वा जो अमेरिका के नेटिव ट्राइब्स हैं उसके संबंधित एक स्टोरी है सो वी विल रीड दिस स्टोरी नाउ लुक दिस पिक्चर अ लॉन्ग लॉज stood on the banks of a lake in a remote place a lawn lodge lodge yahan par native american homes ke liye bataya gaya hai jo build of logs jo lakdi ke latthon se bana hua hai stood on a lake banks of a lake ek jheel ke kinare lake jheel in a remote place, दूर दराज के क्षेत्र में remote, far away, दूर का क्षेत्र वन इवनिंग वैन द सन वाज अबाउट टू सेट जब सुर अस्त होने वाला था होने जा रहा था एंड एल्डर डॉटर टू सन्स एंड अ वाइफ स्टूड अराउंड द बेड ऑफ अ मैन हु वाज अबाउट टू डाई एल्डर डोटर बड़ी बेटी टू सन्स दो बेटे एंड अ वाइफ स्टूड अराउंड द बेड उस पलंग के चारों खड़े हुए थे ऑफ़ अ मैन हु वॉज अबाउट टू डाई जो व्यक्ति जो आदमी मरने वाला है उसके चारों तरफ वो सब फैमिली मेम्बर्स खड़े हुए हैं द फैमिली हैड ट्राइड ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन हर प्रकार की उन्होंने उसके दवा ट्रीटमेंट करवाया द फैमिली हैड ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन नॉन बाय द ओजिब्वा जो उस जाति के लोग जिस प्रकार के ट्रीटमेंट करना जानते थे वो सारा ट्रीटमेंट उन्होंने उस आदमी को सही करने के लिए कराया बट नथिंग कुड सेव द मैन नाउ अब उसकी ऐसी कंडीशन थी कि अब कोई भी दवाई उसके लागू होने वाली कोई दवाई उसको सही नहीं कर सकती थी कंडीशन ऐसी थी उसकी वो एज ऐसी थी उसकी द डाइंग मैन एट द एंड मरते उस समय लास्ट में जो व्यक्ति बूढ़ा आदमी है गेंद अ स्लीवर ऑफ स्प्रिट फ्रॉम द फ्रेश विंड ब्लोविंग थ्रू द डोर ऑफ द लॉज एक हल्की सी एक कोई अलग टूट के अलग से ऑन अ गेंट अ सिल्वर ऑफ स्प्रिट जैसे कोई आत्मा हो उसके अंदर से निकलने वाली हो द फ्रेश एयर विंड ब्लोइंग थ्रू द डोर जैसा कि मान लो कोई फ्रेश एयर एयर विंड जो है वहाँ से बहती हुई दरवाजे के बाहर से निकलती हुए सी लग रही थी उस कंडीशन में ही विस्फर टू हिज फैमिली जब लास्ट में उसके मरने वाली कंडीशन है उससे प्रॉपरली स्पीक भी नहीं हो रहा था बोल भी नहीं पा रहा था उस कंडीशन में भी ही विस्फर टू फैमिली उसने अपने परिवार के लोगों से कुछ कहा आई डिसाइड टू आई डिसाइडेड टू ब्रिंग यू ऑल टू दिस रिमोट प्लेस मैंने तुम्हें यहाँ इस रिमोट प्लेस में दूर दराज के क्षेत्र में लाने का इसलिए किया आई डिसाइडेड टू ब्रिंग यू ऑल टू दिस रिमोट प्लेस सो डेट वी मे लिव इन अ पीस ताकि हम शांति से जी सकें अवे फ्राम द इ्स वेज अवे उनसे दूर रहना किन से फ्रॉम द इ वेज जो बुराई के जो रास्ते थे उन रास्तों से उन बुराइयों से दूर रखने के लिए डेट मैम पीपल फॉलो जो बहुत से लोग उन चीज़ों को फॉलो करते हैं उन बुराइयों से मैंने तुम्हें दूर करने के लिए इस रिमोट प्लेस में मैंने तुम्हारे को यहाँ पर बसाया था देर इज अब वो कौन कौन सी हैं इविल्स अनकाइंडनेस अनकाइंडनेस निर्दयता इनग्रेटिट्यूड कृतज्ञता जो किसी काम के एहसान को न मानना इनग्रेटिट्यूड एंड विकडनेस बुराइयाँ शैतानीपन जो कुछ भी है सराउंडिंग और पीपल इन चीज़ों ने अपने लोगों को गेर रखा था इन बुराइयों से मैं तुम्हें दूर रखना चाहता था सो आई ब्रिंग यू ऑल टू दिस रिमोट प्लेस बाई लिविंग अवे फ्रॉम देम आई प्रोटेक्टेड यू इनोसेंस। बाय बाई लिविंग अवे दूर रखकर फ्रॉम देम उनसे दूर रखकर आई प्रोटेक्टेड यूअर इनोसेंस तो मैंने तुम्हारी इनोसेंस इनोसेंस मीनस मासूमियत मासूमियतता को तुम्हारे अंदर जो अच्छाइयाँ को उनको मैंने प्रोटेक्ट किया है आई हैव प्रोटेक्टेड यू फ्रॉम बिकमिंग सेल्फिश एंड प्राउड मैंने तुम्हें लालची और प्राउड गमंडी होने से तुम्हें बचाया है आई हैव प्रोटेक्टेड यू फ्रॉम बिकमिंग फ्रेश एंड प्राउड इट हैज़ नाट बिन ईजी टू स्टे अवे फ्रॉम अदर्स इट हैज़ नाट बिन ईजी इतना आसान नहीं था टू स्टे अवे फ्रॉम अदर्स जो कि दूसरों से इस प्रकार से दूर रखना इतना आसान नहीं था वी ऑल हैव सफर्ड फ्राम अलॉट ऑफ डिसकम्फर्ट इसके बदले मैंने जब तुम्हें इतना दूर रखा सो वी हैव suffered तो हमने इन बहुत सारी चीज़ों को सफ़र किया है फ्राम अलॉट ऑफ डिसकम्फर्ट बहुत सारी चीजों को हमें तकलीफ देखनी पड़ी डिसकंफर्ट हमने अपने आप को महसूस किया बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू फीड यू ऑल बट आई ट्राइड माय बेस्ट टू फीड यू ऑल एंड लुक आफ्टर यू फिर भी मैंने अपना सारा प्रयास किया कि मैंने तुमको बराबर रेगुलर समय पर खाना दिया एंड लुक आफ्टर यू मैंने तुम्हारी केयर की बट नाउ आई एम डाइंग अब मेरी कंडीशन क्या है मैं मरने वाला हूँ ये मदर विल नॉट लिव लॉन्ग वो भी ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगी एंड विल डाई और वो भी मर जाएगी सोन आफ्टर मी मेरे मरने के कुछ समय बाद भी वो भी मर जाएगी वो भी ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों यू विल बी लेफ्ट अलॉन टू लुक आफ्टर यूर सेल्फ फिर जब हम दोनों ही चले जाएँगे हम दोनों ही मर जाएंगे यू विल भी लेफ्ट तुम फिर तुम अकेले ही रह जाओगे टू लुक आफ्टर यूयर सेल्फ अपने आप की देख रेख करने के लिए तुम खुद अपने आप अकेले ही रह जाओगे आई गिव यू द चार्ज तो मैं अब क्या करता हूँ आई गिव यू द चार्ज मैं जिम्मा तुम्हें सौंपता हूँ चार्ज मतलब हैंड ओवर करना टू लुक आफ्टर योर मदर तो मेरे मरने के बाद व्हाट विल यू डू यू विल लुक आफ्टर यूर मदर एंड यूर यंगेस्ट ब्रदर जो कि सबसे छोटा सबसे छोटा तुम्हारा भाई है उसकी भी यंगेस्ट ब्रदर हु इज़ नॉट स्ट्रांग जो भी इतना स्ट्रांग नहीं है तो तुम अपनी माँ की और सबसे छोटे भाई की लुक आफ्टर करोगे आई गिव यू द चार्ज मैं ये चार्ज तुम्हें देता हूँ आई चार्ज यू नेवर टू फोरसेक यंगर ब्रदर मैं तुम्हें ये भी चार्ज देता हूँ मतलब ये भी तुम्हें ज़िम्मेदारी देता हूँ दैट यू विल नेवर फोर्सेक फोरसेक मतलब त्यागना छोड़ देना योर यंगर ब्रदर तुम अपने छोटे भाई को कहीं भी छोड़ोगे नहीं उसको त्यागोगे नहीं एज सुन एज द वर्ड्स एंडेड जैसे जैसे ये कह के, के बात समाप्त हुए जो आदमी जो कह रहा था डाइंग पर्सन द स्प्रिट ऑफ द मैन टुक फ्लाइट ये लास्ट उसके अंतिम वर्थ है कि तुम अपने छोटे भाई को बिल्कुल भी त्यागोगनी और ऐसा करके उस वो आदमी की आत्मा आकाश में चली गई मीन्स इट मींस ही वॉज डेड अब वो मर चुका था द टू ओल्डर चिल्ड्रन लुकड आफ्टर देयर मदर एंड द यंगेस्ट ब्रदर अब वो जो दोनों बच्चे थे द टू ओल्डर चिल्ड्रन जो बड़े बच्चे थे लुकड आफ्टर देयर मदर जिन्होंने अपने माँ की देख रेख की एंड द यंगेस्ट ब्रथ और छोटे भाई की भी तो दोनों बड़े बच्चे मींस एक भाई और एक बहन आफ्टर सिक्स मंथ्स आफ्टर सिक्स मूंथ्स छः पखवाड़े पास होने के मून्थ्स का मतलब यहाँ पर पीरियड ऑफ पंद्रह दिन का जो टाइम पीरियड आता है उसमें इस प्रकार से मतलब तीन महीने के अंदर ही आफ्टर सिक्स मूंथ्स हैड पासड तीन छ छ पास हुए थे द मदर टू डाइट मतलब तीन महीने के अंदर उसकी मदर भी माँ भी उनकी माँ भी मर गई द टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर वर लेफ्ट अलोन टू लुक आफ्टर वन अनादर अब केवल दो भाई एंड वन सिस्टर तीनों बच्चे थे वर लेफ्ट अलोन टू लुक आफ्टर वन अनादर फॉर समाइम इट वॉज ईजी फॉर द एल्डेस्ट ब्रदर टू टेक केयर ऑफ़ हिज फैमिली कुछ समय तो सब कुछ अच्छा था इट वॉज ईजी फॉर द एल्डेस्ट ब्रदर बड़े भाई के लिए सब कुछ आसान था टू टेक केयर ऑफ हिस फैमिली कि उसने कुछ समय तो अपने परिवार का टेक केयर किया, किया देखभाल की बट सुन किंतु शीघ्र ही बिकेम रेस्ट लेस्ट रेस्ट लेस मीज बेपरवाह हो जाना लापरवाह हो जाना बोर्ड एंड इम्पेशेंट रेस्टलैस बोर हो गया इन सब काम को करते करते परिवार की केयर करते वो क्या हो गया जिसने उसने इम्पेशन हो गया मतलब वो अब ध्यान देना उसने कम कर दिया एंड वांटेड टू डू थिंग्स फॉर हिमसेल्फ अब वो कुछ अपने लिए करना चाहता था ही डिसाइडेड टू लिव हिज सिख ब्रदर अब उसने अपने डिसाइडेड वो निश्चय कर चुका था ही डिसाइडेड टू लिव हिज सिख ब्रदर अंडर द केयर ऑफ हिज सिस्टर अपनी बहन की देखरेख के अंदर उसने अपने छोटे भाई को छोड़ने का प्रयास डिसाइड कर लिया एंड गो आउट टू मैक हिज मार्क इन द वर्ल्ड और अपनी पहचान बनाने के लिए मार्क का मतलब अपने खुद का अस्तित्व बनाने के लिए उसने इन सब चीजों को छोड़ा अपने भाई सिस्टर को छोड़ा एंड गो आउट टू मेक हिज मार्क इन द अपनी पहचान अपना सब कुछ करने के लिए वो इस संसार में चला गया द एल्डर ब्रदर मैरिड आफ्टर सम टाइम एंड फॉर गोट अबाउट हिज प्रोमिस टू हिज डेड फादर कुछ समय बाद तो उसने जब दूसरी उसने शादी कर ली वो सब बातें भूल गया जो उसने अपने डेड होते हुए जब मेरे पिता को फादर को उसने प्रोमिस किया था कि वो अपने परिवार का कर टेक केयर करेगा वो सब बातें भूल गया सोन द सिस्टर ऑल्सो ग्री ट्रायर्ड ऑफ़ टेकिंग केयर ऑफिस सिख यंगर ब्रदर अब कुछ समय बाद वो सिस्टर अकेली रह गई थी तो वो भी थक गई ग्री टायर्ड ऑफ टेकिंग केयर अपने छोटे भाई जो बीमार भाई उसकी केयर करते करते वो भी थक गई एंड लिविंग अ सॉलिटरी लाइफ और उसने भी एक अकेलापन जीवन जीने का अकेले जीवन जीने का डिसाइडेड कर लिया एंड लिविंग अ सॉलिटरी लाइफ सॉलिटरी मीन्स लॉन्ई अकेला जीवन जीने का सोच लिया after years of looking after the household and working hard she wanted to be in the company of other people अब काफी लंबे समय तक after years of looking after उसने भी काफी समय तक अपने परिवार की केयर की तो वो भी थक गई and working hard और बहुत मेहनत की she wanted to be in the company of other people अब वो चाहती है कि उन सबको छोड़कर वो भी अलग लोगों की कंपनी में चली जाए so dear students it is sufficient for this This and we will continue this chapter in our new video. So, what will you do? You will write hard words in your notebook and you will complete all your previous work, okay.